स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर अब केवल 100 दिन बचे हुए हैं। यह अंतिम 100 दिन है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस 100 दिनों में आपके पास जितना भी पावर है, यानी जितना भी एनर्जी है, जितना भी जान है, लगा डालो, क्योंकि इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेंगे। ये अब इस बोर्ड एग्जाम में जितना भी परसेंटेज आपके मार्कशीट पर लिखा जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, वही रह जाएगा। इसलिए गाइस, आने वाले सभी संडे को हमारा इंस्टीट्यूट आपको फ्री में टेस्ट दिलाने की बात कर रहा है। आपको हर एक संडे को आपको हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट देने को मिलेगा। वैसे तो आज आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट देने को मिलेगा, आज के बाद जितनी भी संडे आएंगे उस दिन आपको फुल मार्क टेस्ट मिलेगा, मतलब सभी सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, टेस्ट में आपको कैसे टेस्ट देना है और टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको हम पुरस्कार भी देंगे। वह पुरस्कार क्या होने वाला है और टेस्ट कितने बजे होने वाली है और टेस्ट में क्या सिलेबस होगा, आज के इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आती है, पहली चीज़, अब आपको टेस्ट कितने बजे देना है। तो आज शाम 8 PM को शाम को आपको टेस्ट देने के लिए मिलेगा। कैसे टेस्ट देना है देखिए गाइस, आपको 8 बजे एक वीडियो आएगी, साथ में जो रजिस्ट्रेशन किए हैं हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट कल दिए थे हम आपको, वहां पर जाकर जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं टेस्ट के लिए उनके व्हाट्सएप पर चला जाएगा टेस्ट का लिंक। आप उसे क्लिक करोगे, 8 बजे से एक मिनट लेट मत करना, 8 बजे से पहले ही टेस्ट का लिंक चला जाएगा आपके पास। ठीक है, 8 बजे आप शाम को टेस्ट के लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पर एक ईमेल आईडी डालने की बात करी जाएगी, यानी ईमेल आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। आप वहां पर अपना एक ईमेल आईडी डालना, उसके बाद क्लिक करना, पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, क्योंकि इस टेस्ट को आप एक बार से अधिक नहीं दे सकते हो, केवल एक बार दे सकते हो, इसलिए ईमेल आईडी पासवर्ड लिया जा रहा है। तो वहां पर आप एक ईमेल आईडी डालोगे भी, पासवर्ड डालोगे तो आपका टेस्ट सामने खुल जाएगा। टेस्ट में सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर खुलेगा, टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आपको उन सभी क्वेश्चन को सामने रखना है और उसको लिखना है अपने एक कापी पर। कापी पर क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। क्वेश्चन के आंसर को नंबर डालकर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, फिर वहां पर आंसर। ठीक है, आंसर इस तरह से लिखना, जितना भी आपका आंसर हो सकता है उसको लिख डालना, जितना भी आप कला लगा सकते हो, जितने अच्छे से लिख सकते हो आंसर लिख डालना। अब जितना भी वहां पर क्वेश्चन आपको होगा सभी क्वेश्चन के इसी तरह से आंसर लिख डालोगे। एक बार पूरा आंसर हो गया उसको बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे, हर एक पेज का आप फोटो लोगे, फोटो ले लोगे। अब फोटो आप सीरियल वाइज से लेना, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरह से फोटो ले लेना। उसके बाद फिर उसी फोटो के आगे, जो आपका क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपका सभी का सभी फोटो डालने के लिए ऑप्शन होंगे, 20 से 25 ऑप्शन होंगे या 30 ऑप्शन होंगे, जितने भी पेज के आपके फोटो हुए होंगे उन सभी फोटो को खींचना है और उन सभी फोटो डालने वाले ऑप्शन पर जाकर फोटो अपलोड कर देना है, टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। यह टेस्ट 8 बजे शुरू होगा और टेस्ट के अंदर आपको 8 से 9:30 अधिकतम 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे में आपको जितना भी लिख डालना है लिख कर अपलोड कर देना है। 1.5 घंटे के बाद अगर अपलोड करोगे तो आपकी कापी देखी तो जाएंगी, लेकिन जो टेस्ट का पुरस्कार वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे के अंदर आप जितना भी लिख सकते हो, आपकी जितनी अच्छी तैयारी है कर डालना। ये मत चक्कर में रहना कि मेरी कापी कोई और लिख दे, ऐसा मत करना, क्योंकि पूरी की पूरी टेस्ट पेपर में जितनी भी क्वेश्चंस होंगे सबकी राइटिंग एक होनी चाहिए, यानी आप ही को लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं टेस्ट की प्राइस क्या होगी। देखना, टेस्ट की प्राइस बहुत शानदार रखें, जो फर्स्ट रैंक लाएंगे उनको हम अपनी तरफ से 1000 रुपये देंगे और साथ में मैं उनसे बात करूंगा और जो हमारे ऑफिशियल साइट पर क्लासेज चलती है उस क्लासेज में उनको जोड़ने की प्रोसेस करेंगे। यानी ऑफिशियल साइट में जो क्लासेज चलती है उसकी तो सिलेबस कई बार हो चुका है, लेकिन लास्ट के समय में जो पढ़ाया जाएगा उसको मैं बताऊंगा। साथ में पूरी PDF उनको फ्री में दिया जाएगा, जो भी आपकी क्लासेज होंगी, जैसे क्लासेज की जो PDF है जितनी भी हुई है, क्लासेज हो या ना हो, पूरी की पूरी PDF, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी, पूरी की पूरी सब्जेक्ट की, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सबका आपको PDF एक ही दिन में भेज दिया जाएगा। जो फर्स्ट रैंक लाएंगे उनको 1000 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड रैंक वाले को 500 मिलेगा, लेकिन बस केवल 500 रुपये मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। थर्ड रैंक को क्या मिलेगा, 300 रुपये। थर्ड रैंक वाले को केवल 300 रुपये मिलेगा, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस फर्स्ट रैंक वाले को पूरी की पूरी PDF मिलेगी, जितनी भी सिलेबस है उनके सिलेबस का, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बाद का जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा उनको PDF मिलेगा, बस फर्स्ट रैंक वाले को, और साथ में उनको 1000 रुपये। और जिसको भी मिलेगा उसकी कापी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर देख लेना उनको मैं क्यों चुना हूं। और दूसरी चीज बात है,
ये सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को ये सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी, केवल बैलेंस मिलेगा। और मैं जो भी स्टूडेंट लाएगा उससे मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके बात करूँगा, आप लोग भी सुन लेना वो कैसे पढ़ाई करता है, कितने घंटे पढ़ाई करता है और कैसे करता है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। अब टेस्ट की प्राइस की बात होगी। अब दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको डेढ़ घंटे का समय दिया जा रहा है। डेढ़ घंटे के अंदर यानी एक घंटे 30 मिनट के अंदर 8 बजे के बाद 9:30 बजे तक जितने लोग स्टूडेंट कापी को सबमिट करेंगे उन्हीं की कापी चेक होगी अच्छे से और उन्हीं में से प्राइस दिया जाएगा। ये मत सोचना कि ये इस टेस्ट को हम तो वैसे मैं टेस्ट को 1.5 घंटे के बाद मैं बंद करने वाला था, यानी टेस्ट 1.5 घंटे के बाद आप कापी नहीं भेजने वाले थे। जो लिख लिए 1.5 घंटे के बाद जितने लोग कापी सेट कर दिए वो कर दिए, उसके बाद और लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं मेरी जो टीम है उनसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि आपको टेस्ट का ये लिंक है सुबह तक खुले रहेंगे, यानी आप सुबह तक काफ़ी सबमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप टेस्ट में भले ही प्राइज नहीं जीत पाए तो आपका प्रैक्टिस तो हो जाएगा। अगर आपको मालूम तो चलेगा मैं 1.5 घंटे में नहीं लिख पा रहा हूँ, ये मत सोचना 1.5 घंटे में नहीं, आप नहीं लिख पाओगे तो कोई ना कोई जरूर लिखेगा। देखना यहाँ पर कोई ना कोई टाप करेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, देखो कितना अच्छा से 1.5 घंटे के अंदर लिखे हैं। ऐसे स्टूडेंट का ही 90+ आता है, 95-93 ऐसे आता है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कैसे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक और 8 बजे रात को ये देना है, 1.5 घंटे के अंदर टेस्ट को कंप्लीट करना है। 1.5 घंटे के बाद 9:30 के बाद अगर आप चाहते हो सबमिट करना तो कापी सबमिट कर देना, कापी भी चेक होगी लेकिन प्राइज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट जिनका राइटिंग भी समान है और समान अच्छे से लिखे भी हैं तो उसमें किसको फर्स्ट दिया जाएगा किसको सेकंड दिया जाएगा। मान लो कोई दो स्टूडेंट जो समान क्वेश्चन किया है, समान काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन दोनों में से किसी को एक ही को मिलेगा ना, लेकिन उसमें वहाँ पर यह देखा जाएगा कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले कापी सबमिट किया। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो 8 बजे टेस्ट शुरू होने के बाद 8:50 पे ही अपना कापी सबमिट कर दिया और सभी कापी में अच्छे राइटिंग है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसको टेस्ट का पहला दिया जाएगा। अगर उसी तरीके से कोई दूसरा लड़का लिखा है वो 8:00 या 9:00 सबमिट किया है तो इसको नहीं मिलेगा, इसको सेकेंड रैंक मिलेगा, इसको फर्स्ट रैंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले लिख दिया है, ये कम समय में पूरा किया है, ये ज़्यादा समय में पूरा किया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, और इसके अलावा कोई डाउट नहीं होना चाहिए टेस्ट में आपको। हाँ एक चीज़ डाउट है कि आप लोग कुछ लोग चीटिंग के चक्कर में होंगे कि सर मैं ऐसा करूंगा कि क्वेश्चन तो एक ही साथ मिल ही जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन किसी और से लिखाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन और किसी और से। ऐसे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो राइटिंग तो अलग होने ही वाला है, मैं वहाँ से पहचान लूँगा। केवल एक राइटिंग होनी चाहिए, कुछ गलती मत करना, ठीक है। ये डाउट मत होना चाहिए आपको, यानी अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो एक ही तरीके से ला सकते हो, स्वयं से पढ़ाई करके, स्वयं से लिख कर। ऐसे आपका लिखने की प्रैक्टिस होगी। ये मत सुनना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। इस तरह से आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं आपको कोई क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर टेस्ट की तैयारी कर सके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है। देखना इस बार जो टेस्ट होगा वह कक्षा 12 वालों के लिए होगा, 12 वालों को, और यह मत सुनना कक्षा 10 और 11 वालों ये लोगों का टेस्ट कब से होगा। कक्षा 10 वालों का टेस्ट अगले संडे को होगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से, लेकिन कक्षा 12 वालों का टेस्ट होगा। 12 वालों में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। केमिस्ट्री में टेस्ट क्या होगा, जो मैं डेली 6 क्वेश्चन करा रहा था पिछले 14 दिनों से, डेली मैं 6 क्वेश्चन करा रहा था, करीब 88 से अधिक क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 90 प्रश्न हो चुके हैं डेली मैं 6 क्वेश्चन करा रहा था, 90 प्रश्न वो हो चुके हैं 14 दिनों में। एक आध दिन 7-8 क्वेश्चन भी दे दिया था, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी दे दिया था। तो कुल मिला के जो 90 क्वेश्चन हुए हैं इस क्वेश्चन से, प्लस में जो थियरी की क्लासेज हुई, थियरी क्लास कितनी हुई, कल वर्ग 18 की पी ब्लॉक की वर्ग 18 की कल एक क्लास अपलोड हुई थी, वहाँ तक की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से सुनना क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना मैं यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ उन्हीं यूट्यूब के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक मैं आपको 90 प्रश्न करा चुका हूँ रसायन विज्ञान के, मैं आपको डेली 6 क्वेश्चन कराता हूँ। मैं नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं, मैं बता दूँ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, डेली 6 प्रश्न कराता हूँ, ऐसा मैं 70 दिनों तक कराने वाला हूँ, तो 420 क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन के लिए 420 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। काफ़ी स्टूडेंट जुड़ के कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट डेली के डेली जो क्वेश्चन देता हूँ छः उसका व्हाट्सएप भी करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट है। आप लोग डिमोटिलाइज मत होना कि मैं नहीं पढ़ाऊँ सर नहीं टेस्ट है, टेस्ट में आना देखना कितने क्वेश्चन कर पाते हो, लेकिन अगले टेस्ट में तो तैयारी कर लोगे ना। तो क्या करना आपको, अभी से 90 क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ
दिन भर का समय है, 90 क्वेश्चन तैयार कर लो, प्लस में जो 8 से 10 वीडियो 11 पार्ट हुआ है, पी ब्लॉक को मैं 11 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, जिसमें वर्ग 18 के तत्वों के कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता वगैरह पढ़ा दिया हूँ, तो वर्ग 18 के तत्वों तक का मैं पी ब्लॉक में टेस्ट देने वाला हूँ और ये सभी देने वाला हूँ, इन सभी टेस्ट का ये सिलेबस होगा रसायन विज्ञान का। और आप सभी लोग जिनका अन्य सब्जेक्ट है वे लोग परेशान मत होना, जल्दी सभी सब्जेक्ट का मैं टेस्ट शुरू करूंगा। रही बात और फिजिक्स की क्लासेस की बात कर रहे थे कुछ लोग, फिजिक्स की क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली, जल्दी उसकी शेड्यूल आएगी, ठीक है। अब सभी चीज़ आपको टाइम पे मिलेगा, ये टेस्ट है, सभी लोग टेस्ट देना, कि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करने की कोशिश मत करना इस पैसे के लिए, 1000 रुपये के लिए कोई चीटिंग करने की कोशिश मत करना, बस कोशिश करना तो अच्छे से अच्छे लिखने की, स्वयं से लिखने की, एक टेस्ट तो जाएगा लेकिन अगले टेस्ट में अच्छे से तैयारी करने का। अगर आप इस तरह से तैयारी कर ले तो हर एक टेस्ट में अटेंड होकर ये मानना कि आपका 90% कोई नहीं रोक सकता। और ये जो सीरीज चला रहा हूँ 70 क्वेश्चन 70 दिनों का जो आपका 6 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लो, अभी समय है, कल सोमवार से फिर से शुरू होगा 1 क्वेश्चन से, और जो 90 क्वेश्चन पहले का हुआ है ये क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में चले जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री करके लिंक है, वहां से देखते रहना, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, ये 420 क्वेश्चन पूरा का पूरा जिसमें से 90 क्वेश्चन हो चुका है, तो ये समझ लेना ये 26 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इसी में से देखने को मिलेंगे। अगर इसी में से देखने को मिलेंगे तो आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और 6 ही क्वेश्चन तो करना है, 6 क्वेश्चन तो आप रट सकते हो डेली की डेली। अभी मैं रिएक्शन पे ज़्यादा जोर दिया था, इस 90 क्वेश्चन में बहुत सारे रिएक्शन करा चुका हूँ, तो अब मैं शाम को कितने स्टूडेंट टेस्ट देने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना जरा, मैं जानना चाहता हूँ। और शाम को 8 बजे आपकी टेस्ट स्टार्ट होगा, सभी लोग जितना भी जान है तैयारी करके आना, ये सोचना कि शाम को आपका पेपर है। शाम को रखने का मतलब यह है कि आप शाम को कोई काम नहीं करोगे, 1.5 घंटे लगातार लिखोगे, अपलोड करोगे, समझना इस बात को। पानी पेपर जितना भी कुछ है, पानी खाना पानी खा के बैठना 8 से 9:30 लिख कर 9:30 बजे से पहले सबमिट कर देना, अच्छा रहेगा। और मैं इतना ही क्वेश्चन दूंगा जितना 1.5 घंटे में हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, कम क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लिख कर देखना कितना लिख लेते हो। तो गाइस कितने स्टूडेंट आने वाले शाम को कमेंट करके बताना, और एक बार वही मेरा लक्ष्य 90% लक्ष्य आपका होना चाहिए 90%, तो 90% के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए क्लासेज दे रहा हूँ, ये टेस्ट दे रहा हूँ, जल्दी आपके फिजिक्स क्लासेज हिंदी इंग्लिश सभी क्लासेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जल्दी दूंगा, कल से हो सकता है देने लगे, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, भले ही सोल्यूशन नहीं दे पाऊँ लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ों का मिलेगा यहाँ पे 2021 के एग्जाम को देखते हुए। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और टेस्ट में सभी लोग आना, ये सोच कर आना कि आपका आज पेपर है शाम को, देखता हूँ कितने लोग आते हैं, और कमेंट जरूर करना वीडियो में कितने लोग आ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।